नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सांसद तीरथ सिंह रावत बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वो सुबह दिल्ली से आ रहे थे और हरिद्वार के भीमघोड़ा पंतदीप के पास उनकी कार की टक्कर सामने से आ रही कार से हो गई, जिसके बाद उनकी कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के बाद सांसद तीरथ सिंह रावत को हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें हल्की चोटें आई थी, हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। टिहरी जिले में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में चंबा ब्लॉक के नकोट मांडा से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीती 22 साल की शिवानी बिष्ट इन दिनों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रमुख पद की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी थी, जो कि हाल ही में प्रमुख पद का चुनाव भी जीती है। शिवानी का अभी तक कोई भी राजनीतिक करियर नहीं था। वो पहली बार अपने गांव से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीती और वर्तमान में चंबा ब्लॉक प्रमुख बनी। जिले की बात करें तो जिले में 9 ब्लॉक हैं, जहां पर 6 ब्लॉक पर महिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं, जबकि 3 ब्लॉकों में पुरुष प्रमुख बने हैं। चंबा ब्लॉक की 22 साल की सबसे कम उम्र की नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख बनी शिवानी बिष्ट का कहना है कि इससे पहले उनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो राजनीति में आ गई हैं तो वो सबको साथ में लेकर कार्य करेंगी। मैं सभी क्षेत्र पंचायत वासियों को धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी जीत नहीं, ये भाजपा की जीत है। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलूंगी। 20वां राज्य स्थापना दिवस टिहरी जिले में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय नई टिहरी स्थित प्रताप इंटर कॉलेज में किया गया। यहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम रहे। राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पमाला एवं शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। साथ ही राज्य की विकास पुस्तिका उत्तराखंड प्रगति के पथ पर एवं जनपद की विकास पुस्तिका 2018-19 का विमोचन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी। राज्य स्थापना का 20वां वर्षगांठ मनाई जा रही है और सभी को मेरी तरफ से कोटि-कोटि नमन और पूरे नगर क्षेत्र की तरफ से भी, और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यहाँ पर हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम भी कराए हैं। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि आज 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस का जो दिन है, ये मात्र एक खाना पूर्ति बनकर रह जाता है कि राज्य आंदोलनकारियों को बुलाया जाता है, उन्हें एक माला और एक शॉल पहना दी और उसके बाद इस कार्यक्रम की इतिश्री हो जाती है। जबकि होना ये चाहिए था कि राज्य आंदोलन की जो हमारे उद्देश्य था, हमारे राज्य निर्माण का जो उद्देश्य था, माताओं और बहनों का जो उद्देश्य था, भाइयों का, नौजवान जो बेरोजगार साथियों का जो उद्देश्य था, कि इस राज्य के निर्माण के बाद इस प्रदेश की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर हमें साल में 6 महीने में बैठ के एक चिंतन और मनन करने की जरूरत थी। राज्य सरकार को चाहिए था कि उन तमाम विद्वान आंदोलनकारी साथियों को बुलाया जाना चाहिए था। नरेंद्रनगर में सरकारी शिक्षा के दावों की पोल खुलती भी नजर आ रही है। यहाँ पर 3 महीने से बारात घर में विद्यालय चल रहा है। यहाँ पर श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल का निर्माण महाराजा नरेंद्र शाह ने 1919 से 1924 तक करवाया था और इसी भवन में पिछले 40 सालों से स्कूल संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर निरीक्षण करवाया गया तो पाया कि भवन पठन पाठन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में नगर में स्थित बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और माउंट कार्मेल जैसे कॉलेजों की छात्र संख्या के मुकाबले इस स्कूल में छात्र संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवन की स्थिति को देखते हुए इसे खाली करवा दिया गया था। इसके बाद प्रधानाचार्य ने पठन पाठन के लिए नगर पालिका से भवन दिलाने की गुहार भी लगाई। फिलहाल बारात घर इस विद्यालय को उपलब्ध करवाया गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी ये विद्यालय यहीं पर चल रहा है। यहाँ पर एक हॉल में 4-4 कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और एक कमरे में 2-2 कक्षाएं। अब ऐसे में अभिभावकों का कहना ये है कि सरकार जल्द ही इस पर ध्यान दे, नहीं तो छात्रों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। जी के जो हमारे नरेंद्र शाह जी थे, उनके समय का है तो काफ़ी 1924 में इसका निर्माण हुआ था, तो पिछले 40 वर्षों से इस पर विद्यालय चल रहा है, लेकिन विद्यालय का भवन PWD द्वारा जर्जर घोषित कर दिया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा भी इसे निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। विद्यालय में कम से कम 270 बच्चे हैं और अभिभावकों की चिंता है कि अगर शीघ्र ही नए भवन का निर्माण नहीं किया गया तो बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का क्या होगा। शहर में गुरुराम राय स्कूल एक विद्यालय है जिसमें जो 40 सालों से अभी चल रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर स्कूल तक के बच्चे वहाँ पठन पाठन करते हैं और इसमें जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, नगर पालिका की बहुत पुरानी, राज्य के जमाने की चल रही बिल्डिंग है, वो बहुत कंडम हो चुकी है। हमें चाहते हैं कि हमारे ये बिल्डिंग दोबारा से उसमें दोबारा नई तरीके से उसमें बने और उसमें बच्चों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चों को फिलहाल के लिए जो है कभी बारात घर में उनको व्यवस्था भी डाला जा रखा है, कभी कहीं और उनको व्यवस्था भी डाला, ऐसे करते हुए चले।
मसूरी पिक्चर पैलेस के समीप एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार को कोसते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का वेतन तो नहीं दे पा रही, लेकिन राज्य स्थापना दिवस के नाम पर अनाप शनाप पैसे खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी है, जिसका परिणाम आज देश को कर्ज के रूप में झेलना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने कई बैंकों का विलय करके उसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को भी बेरोजगार कर दिया। उत्तराखंड सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, अनाप शनाप खर्च करने के कारण और राजस्व वसूली सही तरीके से न करने के कारण सरकार का राजस्व घाटा बढ़ने के साथ साथ सरकार वेतन देने के लिए कर्जा ले रही है और राज्य को 50,000 करोड़ के कर्ज में सरकार ने डुबो दिया। तो ऐसी सरकार अगर राज्य स्थापना दिवस के नाम पर एक सप्ताह का उत्सव मना करके करोड़ों रुपए खर्च करती है तो ये उसकी गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति का प्रतीक है। हैदराबाद के सांसद और मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिए गए बयान की हरिद्वार में संतों ने आलोचना की। इस पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संतों के सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाकर बसने की सलाह दे डाली। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश और हिंदुओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें हिंदुस्तान पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाएं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न मानना भारतीय संविधान के अनुरूप और खिलाफ माना जाता है। आप भारत में रह करके और भारत के न्यायपालिका पर आपका विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप राष्ट्रद्रोह माना जाता है। तो आप ओवैसी साहब जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या विवाद के मामले में फैसला सुनाने के बाद बागेश्वर जिले के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। जनता ने कहा कि इस फैसले को जय और पराजय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने मिष्ठान वितरण भी किया और खुशी भी जताई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।